सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में यार हम यार क्या कहते हैं रिव्यू देने जा रहे हैं यार अपनी सोशल साइंस की मतलब एजुकार्ड की बुक का यार इन डेप्थ एक चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियरिफाई से बताएंगे। और उससे पहले यार आपको क्या कहते हैं आई बटन पे यार लिंक मिल रहा होगा यार अनबॉक्सिंग का, बुक्स का और साइंस मैथ की जो सी मैंने आपको रिव्यू दिया था उसका मैं यार अपना लास्ट में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हो या मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। वहां पे चैनल का लिंक मिलेगा लास्ट में जब आउटर होगा तो वहां पे भी आप देख सकते हो यार। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ दूंगा उसका मतलब एक चैप्टर का मतलब सोशल साइंस का पहला चैप्टर आपको दिखाऊंगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिससे आपको यार क्लेरिफिकेशन मिले उसमें थ्योरी कैसी है, समरी कैसी है और उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे है जो से इस बार के मेन बने हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और उसी में बच्चे अटकते हैं, मैं भी खुद अटका था टर्म वन में तो यार उसी में बच्चे अटकते हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो उससे आप अच्छी तरह रीडिंग करके टर्म टू को यार अपना फोड़ सकते हो यार अच्छी तरह। तो यार इसके लिए यार आपको यार सबसे पहले यार प्लीज इसके लिए तो नहीं मतलब वीडियो देखने के लिए तो नहीं आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पर यार इस चैनल को ग्रो करने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को लाल से यार ग्रे कर दीजिए यार। तो यार आपकी सपोर्ट मेरे को दिख रही है, जो सी मेरी एडिडास के शूज वाली वीडियो थी उसमें यार 3.5 के व्यूज आया है। तो गाइस ये वीडियो भी चाहती है कि 3.5 के से यार ऊपर टपे व्यू मतलब उससे भी ऊपर जाए व्यू, ताकि यार हमारे चैनल में न्यू रिकॉर्ड्स बने यार। तो यार आपका सबसे थैंक यू मैं करता हूँ, आपने जो है 3.5 के व्यूज दिलवाए मेरे यार एडिडास शूज की वीडियो में यार। तो गाइस बिना आपका टाइम वेस्ट करे यार सबसे पहले तो जो सी पढ़ाई का कंटेंट बनाया हमने तो उस पे ही फोकस करते हैं, ज्यादा बाहर नहीं जाते। तो गाइस यार बिना आपका टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चले गाइस करते हैं स्टार्ट। सो गाइस यार आज की स्टूडियो में यार हम थोड़ा सा रिव्यू देंगे अपनी सोशल साइंस की एजुकार्ड की क्वेश्चन बैंक बुक का। तो यार ये भी मेरे को यार 220 रुपीज़ कुछ समथिंग में पड़ी है, 249 की है, ठीक है जी 200 की ही पड़ी होगी, नहीं ज़्यादा नहीं पड़ी, 150 की पड़ी है कहीं बीच में मेरे को। तो ठीक है प्राइस अच्छा है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल प्राइस है, एक्सक्लूसिव लर्निंग जो उनकी पिछली में भी लिखा हुआ था, टर्म टू सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक CBSE क्लास 10 2022, 1800 एंड प्लस क्वेश्चंस टू कंप्लीट टर्म टू इंडस्ट्री, मैक्सिमम 1800 एंड प्लस क्वेश्चन इसमें है। व्हाट्स इनसाइड टॉपिक वाइज नोट रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्वेश्चन पॉइंट्स, सोर्स बेस्ड एग्जांपल, न्यू पैटर्न, सब्जेक्टिव पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, डिटेल एक्सप्लेनेशंस, इंक्लूड चैप्टर वाइज टॉपर सॉल्यूशंस। तो ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आप इसको पिछली वाली साइड भी आपको दिखा देता हूं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो जूम करके, तो आपने पिछली वाली साइड भी देख ली है। तो मैं अब आपको इसको खोल के दिखाता हूँ बुक को कि इस बुक के अंदर मतलब है क्या, मतलब आपको चैप्टर वाइज कैसे दिखेंगे ये बुक। तो सबसे पहले तो यही आता है सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज CBSE क्लास 10th आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन बुक अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस। तो यही आता है फर्स्ट नंबर पे, सब बुक के अंदर फर्स्ट नंबर पे यही है कि क्या क्या है इसके अंदर, टॉपिक्स में नोट क्या है, तो इसकी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो अगली बात करें तो ये इसमें आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी मैप्स, तो ये इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसमें ब्रेकडाउन भी इंक्लूड है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, थोड़ा कैमरा हिल गया एंगल। नेशनलिज्म इन इंडिया यहाँ पर सब कुछ टॉपिक नोट्स भी हो गया क्या क्या आएंगे, तो ये कुछ ऐसे आएंगे आपको, ये मतलब थ्योरी सी समझाई होगी थोड़ी सी, और यहाँ पे आगे भी थ्योरी सी थोड़ी सी समझाई हुई है, बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी थ्योरी है सारी, बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी। तो जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप आया था वैसे ही है ये, सेम नेशनलिज्म इन इंडिया, बड़ा सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह के बारे में सबके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। ग्लोसरी और हुज हू मतलब किसने यार, मतलब किसको कहा, मतलब कौन क्या था, मतलब यही होगा हु सेड व्हाट, तो ये वाला किसने किसको कहा। क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, मतलब इसमें आपको डेट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगी। तो बाकी इसमें गाइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसमें, और उससे अगली बात करी जाए तो यहाँ पर होते हैं अपने, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव ही चल रहे हैं क्वेश्चन, और यहाँ से आगे से शायद होंगे मेरे को लगता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट, नहीं यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं अभी स्टार्ट, assertion, reasoning, case based सारे ऑब्जेक्टिव है अभी ये, अब यहाँ से हुए है सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट। तो यार ये आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन टू लाइन, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको खुद भी मतलब थोड़ा आना चाहिए कि हाँ वर्डिंग बना के आप लिख सकते हो, अगर कुछ ना आता हो थोड़ी सी अच्छी वर्डिंग बना के लिख सकते हो। तो यार ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप कहाँ से लिखोगे इतने बड़े बड़े, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना फिर। तो यार ये रही मतलब इसमें बुक में ये था, आप देख सकते हो इसमें सब समझाया हुआ है हमको,
आप अच्छी तरह देख सकते हो इसमें सारा मतलब एक टाइप टू टाइप एक लाइन वाइज समझाया गया है, पर ये बहुत बड़े है, मतलब एक चैप्टर बहुत बड़ा है इसका भी। टॉपर्स कॉर्नर आ गया है अब यहाँ पे कि टॉपर्स ने क्या क्या आंसर दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो आप इसको भी देख सकते हो थोड़ा सा, और ये देख लो आप टॉपर्स के क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो यहाँ पर ये रहे क्वेश्चंस के आंसर, और ये रहा लास्ट पेज, तो यहाँ से चैप्टर खत्म है। तो मैं इससे आगे आपको नहीं चैप्टर दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है कंपनी की तरफ से, तो वैसे भी यार क्या कहते हैं इतना भी चैप्टर नहीं दिखाने देते कंपनी वाले क्योंकि कॉपीराइट इशू पा देते। तो मैंने पर यार मैंने जैसे पिछली दो वीडियो में भी आपको बता दिया बच्चों की मतलब चाह समझी कि बच्चे चाहते हैं कि हमको अच्छी तरह दिखे बुक्स अंदर से, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरे को भी दिखे ताकि मैं खरीद पाऊँ, पर मैंने एक डिसीजन लिया ओसवाल एजुकार्ट और अरिहंत में से कि कौन सी लूँ। तो यार मेरे को एजुकार्ट की अच्छी लगी तो मैंने एजुकार्ट की ले ली है, तो यार मेरा मतलब थोड़ा सा ऑप्शन सही निकला है जैसे एमसीक्यू पैटर्न में ऑप्शन लगाते हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।